बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज वो मुझे बहुत पसंद है He's so handsome, मतलब ऐसा एक कोई काम होता है जिससे लोग उसको जानते हैं मैं ऐसा नहीं है मैंने बनो के बाद भी काफी काम किया आगे भी करती रहूंगी और भगवान की से और भी अच्छे और भी मतलब गाने आएंगे

तो I was like, नहीं मैं तो करूंगी मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दूंगी तो मतलब जो घंटे का काम था मैंने और कुछ और मतलब स्टूडियो गई थी तो वहां पे कुछ और हाँ. गाने की डबिंग चल रही थी जिसके लिए मैं गई थी और रिकॉर्ड जो है लक्ष्मीकांत जी उन्होंने मुझे बताया कि दिस इज वन प्रोजेक्ट विच आई एम डूंग में कुछ गाने हैं तो मैंने बोला अब जैसे ही मैंने शक्ल देखी मैंने बोला भाई क्या मैं गा के जाऊंगी तो मैंने कितने गाया। गाने गाया? तीन गाने तीन गाने गाए 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 तीन तीन और कुछ फीडबैक मिला है या कुछ हाँ, बहुत मतलब इंस्टाग्राम पे लोगों ने जैसे इवेंचुअली नेटफ्लिक्स पे क्योंकि रिलीज हुआ नाइन फाइव को तो मैंने भी लगाया था लोगों को जैसे जैसे पता चला तो उनको बहुत अच्छा लगा मतलब उनको लगा कि जैसे तेलुगु में शिल्पाव जी ने गाया है एक सॉन्ग ओ माई बेबी

ओके okay. तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सा गाना गाने में आया <coughs> मुझे तो ओमा oh बेबी गाने में बहुत बहुत मजा आया क्योंकि एक तो रोमांटिक सॉन्ग आ समझ फील भी <ही> रह जाते <laughs> हैं <laughs> तो वो गाने में मुझे बहुत मजा आया दो लाइन प्लीज हमारे लिए हाँ मेरी कॉफी में है जो शुगर क्यूब तू है तू है मेरे आसपास देखू जो भी दिखू तू है तू है शहर की मेरे खुशी की वजह तू है तू है ओ, ओ तू दिल की कहानी ओ, ओ मैं तेरी दीवानी बेबी ओ प्यारे की मेरे तू है निशानी

इतने टाइम से आई थिंक लॉकडाउन के बाद से जो ट्रांजिशन आया है साउथ मूवी बॉलीवुड मूवी और इतने सारे डिबेट्स हो रहे हैं कॉन्वर्जेस right. हो रहे हैं बट पैन इंडिया लेवल पर जो चीज़ें हो रही है जैसे आपने अभी हिंदी में गा पहले से ही डब मूवीज बहुत चल mm, रहे थे और अभी right. हिंदी गाने uh, मतलब जो साउथ का वर्जन होता है हिंदी में आपको लगता है कि मीनिंग चेंज हो जाता है और जो लिरिक्स होता है उसके ऊपर काफी काम करना पड़ता है क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं हाँ आप...

बनों से पहले मतलब स्ट्रगल uh, था काफ़ी मतलब मेरा एक ही था कि मेरा गाना आ जाए गाना आ जाए रिलीज हो जाए तो उस टाइम पे तो मैंने ये सोचा नहीं था कि गाना आ जाए हिट हो जाए इतना तो बोलती नहीं थी मतलब मेरे को लोग बोलते हैं यार तो ढंग से किया करो <laughs> तो वो वो चक्कर है मेरे साथ तो मैं वही मेरा गाना आ जाए गाना आ जाए बट जब गाना आया और मतलब इस लेवल पे आया इतना बड़ा गाना आया तो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें चेंज हुई उससे तो उसके तो मैं बहुत ग्रेटफुल तनिष्क बागची जी की बहुत ज्यादा क्योंकि उन्होंने ही मुझे मौका दिया बिल्कुल तो वही है तो शुरुआत में ये आ, मौका मिल गया गया तो एक बूस्ट आ, गया कि कर सकती हूँ मुझे याद है बन्नो आने के बाद मैंने जो आ, पहला इंटरव्यू दिया था तो उसमें मैंने यही बोला था कि सपने देखने चाहिए क्योंकि वो पूरे होते हैं क्योंकि मैंने वो फील किया क्या बात है अब बन्नो के वक्त जब रिकॉर्डिंग हो रही थी बीटीएस के बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहूंगी बिहाइंड द सीन्स क्या कुछ माहौल था तभी पता था मूवी भी इतनी हिट हो जाएगी उसी के साथ गाने भी हिट हो जाएंगे बनो uh, एक्चुअली मैं तनिष बागची जी के लिए काफी स्क्रैचेस करती थी डेमो सॉन्ग्स करती थी हाँ. तो उन्होंने बनो के लिए भी मुझे ऐसे ही बुलाया था तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ये तनु वर्ट्स रिटर्न्स में जा रहा है या जो भी है तो मुझे बस उन्होंने इतना बोला था कि एक कैरेक्टर है हरियाणवी कैरेक्टर तो है उसको इंग्लिश बोलने का काफी शौक है पर बोल नहीं पाती है, पर गाती है हाँ। कुछ कुछ तो वैसे एक्सेंट में गाना है तो मतलब कुछ डिफरेंट चाहिए जो अभी तक तो होता मतलब है वो नहीं चाहिए डू समथिंग विथ योर वॉइस मतलब आई डोंट नो मतलब कुछ भी करो मैंने बोला ठीक है तो फिर मैंने ट्राई किया तो मैंने बनो जो भी गाया है उसको अपने यूजुअल वॉइस से ना ना गा करके थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया लगे। हाँ। फिर एक दिन उनका कॉल आया कि अरे वो गाना गाया था ना हमने तो बनो वाला मैंने बोला हाँ तो बोले वो गाना पता है आ रहा है मैंने बोला नहीं बोला अरे वो गाना कनोवर्ट मनो रिटर्न का प्रमोशनल सॉन्ग है और मैं बोल रही हूँ है तो हाँ, 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 बोले जाओ उधर ही बैठ जाओ मतलब बहुत मतलब हिलाने वाली न्यूज है मैंने बोला लिटरली हिलाने वाली न्यूज है उसके बाद से तो मतलब एक एक दिन ही कटे हुए रहे थे मैं देख रही थी कब क्या आ रहा है उसका अपडेट क्या आ रहा है क्या आ रहा है तो वो बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी मनो वाली दो लाइन प्लीज घर दे उड़ी गुबारे तो रे, जुगने दुगने चमक चिंगारी अरे मान सुन से हल्की भारी बार निंग पब्लिक में जारी आप संभालो ज़िम्मेदारी बात बात कर दी है हाथ हाथ मार दी है बैठे कभी ना बैक सी बिट बनो तेरा सोहेगर लागे सेक्सी बनो तेरा सोहेगर लागे सेक्सी क्या बात है ये गाना सुनने के बाद जी झूम उठता है मन करता <laughs> है डांस करे और हर शादियों में गाना बजता है जी, जी। मतलब अभी भी इतना रिफ्रेशिंग गाना है ये आपको कैसा महसूस होता है आप किसी शादी में गए हो शादी अटेंड करने और ये गाना बजा

पहली बार जब ये गाना आउट हुआ था फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट याद है आपको या फर्स्ट किसी का फीडबैक जिसमें जिससे आपकी आंख भर आई थी आ... लगा था कि कुछ लाइफ में आप अचीव किया है मैंने फीडबैक <laughs> <laughs> तो ये कहूंगी कि मतलब बन्नू आया ठीक है उसके बाद आ... काफी लोगों ने पसंद किया सबने मतलब बहुत तारीफ करी अरे क्या गाया है मतलब बहुत आवाज बहुत खुली हुई है okay. तो एक गाना मैं करने गई थी सौरभ भास्कर जी की मूवी हाँ, के लिए हाँ, उसके बाद तो वो जो कम्पोजर थे रोहित शर्मा जी वो मुझसे कभी मिले नहीं थे हाँ. तो उन, उनको उन्होंने वॉइस सुनी थी हाँ. उन्होंने मुझे बुलाया तो 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 जब वो मुझसे मिले तो थोड़े कंफ्यूज हो गए कि कि मतलब सही स्वाति को तो बुलाया है 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 मैंने मैंने बोला क्या हुआ सर बोले यार मैंने आवाज सुनी तो मुझे लगा कोई 40 प्लस कोई प्लस लेडी जिसने गाया है और जिस तरीके से तुमने वॉइस थ्रो करके गाया बिल्कुल फोक में और बिल्कुल जैसे गाया मुझे छोटी मैं तो, मैं तो तो होने <laughs> और काफ़ी अच्छा जी और इनफेक्ट बन्नो जब रिलीज हो गया तो उसके बाद मैंने सोनू निगम सर सर के साथ साथ मैं मैं उनके उनके बहुत हाँ, बड़ी फैन उनको हाँ, भी है बात। तो तो साथ, साथ मुझे गाना गाने का मौका मिला तो जब डब कर रहे थे तो तब उन्होंने तो सर सर तो, उन, उन, मुझे मैसेज किया था कि उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था की बन्नो जिस टेक्सचर में और एक सॉफ्ट तरीके से गा रही हैं तो वो फिर ऐसा कॉम्प्लीमेंट रहता है कैसे दिल भी मिलता है पहले पढ़ाव <laughs> में तो आपने सक्सेस देखा लेकिन फर्स्ट जब सक्सेस मिलती है जब आपकी पहचान बनती है तब शोल्डर्स पे ज्यादा प्रेशर भी आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है उसके बाद आपकी लाइफ कैसी थी बींग एन आउटसाइडर मतलब ऐसा आउटसाइडर की मैंने फेसबुक से निकाले हैं लोगों को जैसे अगर मैं फेसबुक पे हूँ

उसके, स्ट्रगल चालू हुआ। तो फिर पहली बार क्योंकि उसके पहले तो रिजेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है ना बिल्कुल तो जब आप गा रहे हैं फिर कोई गाना तब पता चला अच्छा रिप्लेस हो जाता है गाना मैं तो एकदम ही अपने जोन में थी तो ऐसे रिप्लेस हुआ तो वो पहली बार जब रोना जब आप देखते हैं कि ये गाना मेरा था ये किसी और, और ने गा दिया एक गाना सक्सेस देने आ, के बाद भी रिजेक्शन आता है तो उसके बाद ही आपको फर्क भी पड़ता है उसके अच्छा। पहले जब आपके पास कुछ नहीं है तो आपको क्या ही फर्क पड़ेगा कि कुछ मैं आपसे ले ही लूं क्या है ठीक है जब आपके पास कुछ आ जाता है तो फिर आपको लगता है और फिर रहते ना दूर दरार के होते हैं वो अभी अरे एक गाना हो गया अब क्या अब क्या कोई नया बम फोड़ो कोई नया बम फोड़ो अरे कहाँ से बम फोड़े भाई उसका अपना एक एक जर्नी है जो लोग समझते नहीं है दूर हाँ। रह करके कि कैसे एक एक गाना मिलता है और आप फर्स्ट रिज, रिजेक्शन के बारे में भी बात कर रहे थे जब रिजेक्ट किया कौन सा प्रोजेक्ट था आप रिवील करना चाहेंगे कि इतना बुरा लगा आपको कि ये गाना काश मैं गाती आ, कई गाने थे ऐसे बट एक गाना था तू सक मेरा नेहा कक्कड़ जी ने गाया था बहुत सारा है नो डाउट बट वो क्योंकि मेरा पहला सॉन्ग था वो जो रिजेक्ट हुआ था तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा तो जी आप खुद के ग्राफ पे कैसे वर्क करती है क्योंकि एज ए सिंगर बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि इन टर्म्स ऑफ डाइट से ही yeah. शुरू करते हैं डाइट काफ़ी डिसिप्लिन रखना पड़ता है डाइट के तौर पर उसके अलावा रियाज जो yeah. है रोज़ करना पड़ता है आप कैसे प्रोसेस करते हो देखिए रियाज तो मतलब रोज करना ही रहता है पड़ता है करना ही है क्यूँकी आपको जिससे आपको सब चीज़ चाहिए जिस चीज से तो उसके लिए तो आपको देना पड़ेगा टाइम उसके पीछे मेहनत भी करनी पड़ेगी कोई डॉक्टर भी बनना चाहता है तो पढ़ेगा नहीं तो बनेगा कैसे बिल्कुर। तो वही चीज है तो सीरियसली मैं बहुत ज्यादा लेती हूँ और डाइट का ये है कि मैं बहुत फूडी हूँ लेकिन आइसक्रीम अगर आप कहेंगे कि वो बहुत बचपन से है बहुत बचपन से मैं मुंबई आई थी अपने डैड के साथ तो स्टार्टिंग में तो वैसे कदम रखा तो पहले मैं गई फिर सलमान सर को बहुत बड़ी फैन भयंकर ये देखिए मैं भयंकर बहुत बड़ी फैन तो मुझे लेके चले ले गए मैं बोला मैं जाऊंगी बैंड स्टैंड हाँ गई बैंड स्टैंड मैंने ऐसे देखा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स मन्नत ठीक है वो जो हाँ। सब करते हैं नारिल पानी मस्त पिया उधर से जूहू गए तो जूहू पे ना अब देखा टीवी में इसके पहले तो कभी मैंने मुंबई तो नक्शे में भी नहीं देखा सुना है रियलिटी शोज में सुना हाँ, था हम हाँ, आपको हाँ, 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 मुंबई लेके जाएंगे और हाँ, हाँ, मैं ये थी मुझे कौन मुंबई लेके जाएगा रिश्तेदार भी नहीं रहते थे हाँ, तो फिर पापा के साथ गई तो वो ना गोला दिखा मुझे तो मैंने बोला ये गोला मुझे ट्राई करना है तो ले लू पहली बार जीवन में ले लो पापा भी बोला की हाँ ले लो कोई बात नहीं तो मैं सोच रहा हूँ मेरे पापा देखो चलो आज डांट मिले बोल रहे ले लो तो ठीक है जैसे ही काला खट्टा बनवाया एक एक ही चुस्की ली होगी उधर से वो मैंने देखा बोल तो ये तो करना ही हो तुम ये तो करोगे तुम गला खराब हो जाएगा तुम्हारा ये सिर्फ बर्फ है ये ये है मैं तो यहाँ पे रहूंगा नहीं तुम्हारे साथ तुम आना यहाँ पे यही करना अरे भाई तुरंत ही मैंने वो बच्चा आया दी, मैंने बोला बेटा ले ले दो तो नहीं खाया उसके बाद तो ये सब कुछ सेक्रीफाइस होती हैं जो आपको बहुत करनी, करनी पड़ती है पड़ती है, है। सलमान खान के बहुत बड़े फैन हो उनके साथ मतलब <laughs> काम करने का सपना तो होगा हो ही आप मिले हो आप अवार्ड फंक्शन पे मिले हो कैसा एक्सपीरियंस रहा है जाकर बताया मैं सही बता रही हूँ हिम्मत ही नहीं हूँ और सलमान सर को जब मैं आई बन्नो आया था आया ही नहीं था तो उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड बिग बॉस में कुछ आ, पोस्ट प्रोडक्शन का काम हाँ, या कुछ हाँ, ऐसा हाँ. करती थी तो बोली चलो तो, तुम एक एपिसोड देख लेना और आ, शूट हो रहा है तो मैं इस, उसमें गई थी मैं सलमान सर से मिलूंगी सलमान सर से मिलूंगी मैं मस्त गई लोनावला में उनको देखा वो सामने आगे खड़े हो गया और वो डर गई मैं क्या हो गया किसी ने कुछ तेरे तो को बोल दिया क्या डांट दिया क्या कुछ कर मैंने बोला नहीं और मैं देख के रो रही हूँ वो एक अलग वो, वो क्रेज अलग तो मतलब मैं तो ऐसे देखते रह गई उसके बाद मैं उनसे मिल नहीं पाई तो मम्मी जी ये था कि मैं अब तब उनको द, मिलना चाहूंगी जब मेरा कुछ रहे तो मैं उनसे मिलूं मैं कुछ बता सकूं उनको उनको भी तो लगना चाहिए ठीक है मेरी फैन है लेकिन कुछ कर रही है तो मैं मैंने ऐसा फीलिंग रखे किया बनो के बाद मैंने वॉट शोज़ और... में ऑलमोस्ट और... सब में नॉमिनेटेड थी तो मैं वहां पे गई और असर थे सर को फोन किया सर ने देखा बहुत पास से देखा वो अच्छा लगा फिर

ये 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 अचीवमेंट जो आप बोल रहे हैं ये जब तक मैंने कर लिया था उसके बाद पता ही नहीं था इंडिया आई <laughs> और जब यहां पे बने मतलब, India, perform, hmm. dark, तो मुझे लगा रहा यार बहुत मतलब ये कुछ चीज हो गई और मुझे सोच के भी बहुत अच्छा लगता है कि मुझे वो स्टेज मिला जहाँ पे मैंने इंडिया को एज रिप्रेजेंट

और इट्स अ वेरी मतलब पंजाबी सॉन्ग है और हार्ट टचिंग सॉन्ग है बहुत प्यारा गाना है दो लाइन प्लीज जी <laughs> मेरी जिंदगी अद्दी बीत गई ओ शहजाद दे गीत जही तनु प्यार बड़ा मैं किता सी रब जाने कित ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਹੋਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਮਰ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਕਵਾਰੀ ਸੜਨਾ ਮੈਂ ਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੈ ਬੜਨੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ तो कवारी सड़ना मैं पर बेचारी नहीं।, नहीं बनना मैं मतलब तो कवारी रहूंगी ठीक है बेचारी तो ये तो अब मतलब बहुत ही पर्सनल <laughs> बात आपने रिश्तेदार दोस्त इतना प्रेशर डालते हैं शादी को लेकर क्या कहना चाहेंगे जिनके लिए गाना बनाया गया है ये गाना तो मतलब उन सभी के लिए बनाया गया है कि जो कि रिलेशनशिप में है अच्छी बात है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करना ही चाहिए बट ये है कि बेचारा बन के मत रहो कि मतलब ना सपोज करो शादी नहीं हो रही तो ला बेचारे बेचारी की शादी नहीं हो रही अरे क्यों अपना भी डिसीजन एक होता है नहीं और कोई बात नहीं आप अपना और काम करिए आगे बढ़िए उसको उसको अपने ये मत बनाइए कि मैं बेचारी बन के बैठ और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है कि मैं रुको आपसे बातें करने जी में इतना जी। अच्छा लग रहा है आपको लाइव सुनने में काफी मजा आ रहा है बट आशा करती हूँ कि इसी तरह आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करते रहिएगा ताकि हमारी मुलाकात और भी जल्दी जल्दी होते रहे अच्छे अच्छे इंटरव्यूज हम करते रहे जाने से पहले औसम टीवी के औस्तम दर्शकों के लिए कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे औ ऑसम टीवी के लिए मैं एक्चुअली uh, मैंने तुम जो गए का गाना गाया नहीं जो कि बहुत uh, सुधिंग आप लोग जाइएगा मत <laughs> तो मैं गा रही हूँ क्योंकि गाना बहुत प्यारा है और आप सुन भी सकते हैं इसके कंपोजर पोजी हैं और गिनी दीवान ने लिखा है तनहा खटासा प्यासा आंखों से बहता टूटा सा थमें न रो रो के न न मेरे तुम जो गए थमें न रो रो के न न मेरे तुम जो गए